नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उनकी पत्नी मोर्चा संभाले हुए है। अब सुनीता केजरीवाल की उसी रामलीला मैदान से सियासत में लॉन्चिंग होने के कयास लग रहे हैं, जहां से 2012 में अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा था। क्या परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध में बनी आम आदमी पार्टी में अब की बार सियासत में केजरीवाल का परिवार होने जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। एक हफ्ते में तीन बार जनता के सामने सुनीता केजरीवाल। पहली तस्वीर 27 मार्च, दूसरी तस्वीर 28 मार्च, तीसरी तस्वीर 29 मार्च। तीनों बार वही कुर्सी, वही बैकग्राउंड और करीब करीब वही बातें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वही कुर्सी जिस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कुर्सी के ऊपर एक तरफ शहीद भगत सिंह की तस्वीर और दूसरी तरफ संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और उसके इर्द गिर्द तिरंगा झंडा। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई तो उनकी बातों में सियासी चमक ज्यादा दिख रही थी। सुनीता ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। सुनीता केजरीवाल ने व्हाट्सएप नंबर के जरिए दिल्ली के लोगों से आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिल्ली की जनता के लिए जारी किया है। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? सुनीता केजरीवाल ने जब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन कोर्ट रूम से जो जानकारी आई है उसमें तो पता चला है कि उन्होंने दो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वाले शरद चंद्र रेड्डी का जिक्र किया है, जो दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी का सरकारी गवाह है। यानी साफ है कि सुनीता केजरीवाल की तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्य कुछ भी नए नहीं है सिवाय सियासी माहौल बनाने के। अब उनके लिए बड़ा सियासी माहौल बनाने जा रहे हैं विपक्ष के नेता, जो 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव से लेकर ममता बैनर्जी तक के शामिल होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस रैली में सुनीता केजरीवाल भी भाषण देंगी। इस रैली को उसी रामलीला मैदान से सुनीता की सियासी लॉन्चिंग के रूप में देखा जा रहा है, जहां से अरविंद केजरीवाल ने 2012 में अपना सियासी सफर शुरू किया था। सुनीता केजरीवाल अभी तक सीधे तौर पर राजनीति से दूर रही हैं, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी सक्रियता कई सियासी संकेत दे रही है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल का कैसा एक छत्र राज है, इसको भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझा जा सकता है। आम आदमी पार्टी में मनीष सोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े नेता जो सड़कों पर संघर्ष करते दिख रहे हैं, इनमें सौरभ भारद्वाज और अतिशी से लेकर गोपाल राय तक के नाम शामिल है, लेकिन इनमें से कोई केजरीवाल की जगह उनकी कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। सुनीता केजरीवाल भले ही राजनीति से दूर रही हो, लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई मायने हैं। सुनीता केजरीवाल 1993 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अफसर यानी कि IRS है। केजरीवाल भी IRS थे। मैसूरू में सुनीता और अरविंद केजरीवाल साथ साथ पढ़ाई करते थे। 1995 में दोनों ने शादी की। सुनीता केजरीवाल आयकर आयुक्त रही हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल 2006 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने नौकरी छोड़ दी, जबकि सुनीता केजरीवाल ने 2016 में VRS लिया। 2005 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से सामाजिक जीवन में आने वाले अरविंद केजरीवाल अब करप्शन के केस में ही गिरफ्तार हुए हैं। 2012 में अरविंद केजरीवाल का सक्रिय राजनीति में पर्दापण हुआ। उन पर अन्ना हजारे के आंदोलन को हाईजैक करने के आरोप लगते हैं। वो अन्ना हजारे जो शराबबंदी के खिलाफ जिंदगी भर आंदोलन करते रहे, अब केजरीवाल शराब घोटाले में ही सलाखों के पीछे। 2012 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से उभरे अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर क्या भ्रष्टाचार केस की भेंट चढ़ जाएगा? क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी को संभालेंगी? क्या 31 मार्च को रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली में सुनीता केजरीवाल की ऑफिशियली राजनीति पारी की शुरुआत होगी?
इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।